आज वैकुंठ चतुर्दशी पर धार्मिक नगरी में हरिहर मिलन का अद्भुत नजारा दिखाई देगा। हरिहर मिलन पर बाबा महाकाल सृष्टि का भार सौंपने आज रात 11 बजे हरि के दरबार गोपाल मंदिर पहुंचेंगे। महाकाल मंदिर के बाबा की पालकी धूमधाम के साथ निकाली जाएगी। महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर तक मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी उज्जैन नीरज कुमार ने हरिहर मिलन सवारी में पटाखे और हिंगोट चलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर ड्रोन से नजर रखने की बात कही है। उज्जैन कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार ने हरिहर मिलन समारोह के दौरान पटाखे और हिंगोट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस को निर्देशित किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बीते कुछ सालों में हरिहर मिलन समारोह के दौरान हिंगोट और पटाखे चलाने पर कई लोग घायल हुए हैं, जिससे आमजन की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरिहर मिलन समारोह में पटाखे और हिंगोट पर अब पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने महाकाल मंदिर के गोपाल मंदिर तक मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी तैयारियों को पुख्ता किया और मार्ग का निरीक्षण किया है। सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि एएसपी नितेश भार्गव की मौजूदगी में सर्राफा बर्तन व्यापारियों के साथ बैठक लेकर समझाइश दी गई कि हरिहर मिलन के दौरान अनियंत्रित आतिशबाजी नहीं की जाएगी। बाबा महाकाल की सवारी के दौरान हिंगोट पर भी प्रतिबंध रहेगा ताकि श्रद्धालुओं को कोई हानि ना हो। बैठक में व्यापारियों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समन्वय बनाते हुए कहा गया कि आपकी दुकान पर लगे कैमरों का मूवमेंट सवारी मार्ग की ओर रखा जाएगा। आसपास की गलियों में प्रकाश व्यवस्था को यहां बेहतर किया जाए। वहीं किसी को भी अपने प्रतिष्ठान और दुकान का उपयोग हिंगोट चलाने के लिए नहीं करने दिया जाएगा। सवारी मार्ग पर शांति भंग करने और अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएसपी ने बताया कि हिंगोट चलाने वाले और सवारी में व्यवस्था या अव्यवस्था फैलाने वालों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। एएसपी नितेश भार्गव ने बताया कि हरिहर मिलन के दौरान क्षेत्र की समस्या और यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। रात 10 बजे के बाद सवारी मार्ग पर वाहनों की आवाजाही नहीं रहेगी। सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती भी कर दी जाएगी। साथ ही मार्ग पर ऊंची बिल्डिंगों से पुलिसकर्मी दूरबीन से नजर रखेंगे और सादी वर्दी में पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।